तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक गोयल और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ कानपुर शहर के सबसे प्रसिद्ध पान की दुकान में। ये पीछे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, संगम पान शॉप, और ये आर्य नगर लोकेलिटी में पड़ती है। और कहा जाता है कि भाई ये कानपुर की सबसे प्रसिद्ध शॉप है। और यहाँ पे कुछ पान जो मुझे बताए गए बहुत ही प्रसिद्ध, एक है किमाम पान, फायर पान, गिलोरी। और अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या मेरा मुंह जल गया कुछ खाने से, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक हल्की सी गर्म थी, महसूस तो आई थी, फीलिंग आई थी, लेकिन मुंह बिल्कुल भी नहीं जला। और अगर जलता तो ये इतना पान फेमस क्यों होता है इतने लोग क्यों खाते हैं। ये एक फायर पैन तैयार हो रहा है आपके सामने। इसमें गुलाब की पत्ती से बनी एक चीज़ डाली जाती है जिसका नाम गुलकंद है। ये मीठी होती है, ये पूरा पान मीठा पान होता है, इसमें टोबैको ज़रा भी नहीं होती है और बड़ा ही दिलचस्प और टेस्टी पान होता है। तो इसमें अभी आप आग लगाएंगे जी, तो आग कौन सी चीज़ पकड़ेगी, मतलब इसमें डाल लेते हैं? नहीं तो नहीं, को आग गुलकंद तो पकड़ेगी नहीं, नहीं क्या पकड़ेगा ये, इसमें हमने डाला है जो ये जलता है। क्या चीज़ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गरी नहीं जलेगी? अच्छा, तो ब्रास डाला है और अच्छा, तो ब्रास ही आग पकड़ेगी और वही आप खटाक से मुंह में डालेंगे। अच्छा ये बताइए कि इसको डालने के भी कोई तरीका है या तरीका है? अगर अगर कोई व्यक्ति तरीका ना जानता हो तो गड़बड़ कर सकता है पान मुंह में डालते वक्त। ये अपना नाम बताइए। संगम चौरसिया। अच्छा, तो आप ये पान के शॉप के ओनर हैं जी। तो ये आप ही ने खोली थी? हमारे पिताजी। आपके पिताजी ने। तो ये दुकान अब कितनी पुरानी हो गई? 1995 में दुकान खुली थी, तो अब करीब ये 30 साल पुरानी दुकान हो गई है। तो इसमें जो प्रसिद्ध बनाता है आपके पास, क्वालिटी क्या से? क्वालिटी का बात है और क्या। अच्छा, क्वालिटी बढ़िया है, लोगों को पसंद आता है। हमारे यहाँ 10 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे 1.5 बजे तक दुकान चलती है। रात को 1.5 बजे तक बहुत लोग आते हैं हमारे पास। कहाँ का कस्टमर नहीं, सब जगह का। अगर वो कानपुर आएगा तो हमारी दुकान में पान खाने जरूर आएगा। अच्छा, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आगरा हो, कहीं भी हो। अच्छा, तो ये आपकी अकेली शॉप है या इसका कोई ब्रांच खोला है आपने? हमारी 2 ब्रांचें हैं। कहाँ पे है? एक ब्रह्मनगर में, एक गोविंद नगर में।